और बड़ी खबर, इसराइली सेना ने गाजा के जेनिन इलाके से हमास के आतंकी अता अबू रामिला को गिरफ्तार कर लिया है। गाजा के जेनिन शहर में कल रात इसराइली सेना ने बड़ा जमीनी ऑपरेशन चलाया था और जिसमें उसने बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमास का जो मुख्य आतंकी है वो गिरफ्त में आ चुका है, वो गिरफ्तार हो चुका है। और ये कामयाबी मिली कैसे? जब जमीनी ऑपरेशन यानी ग्राउंड ऑपरेशन जब जारी था तब ये सफलता मिली है, जिसका नाम अता अबू रामिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि इसराइल की तरफ से, इसराइली सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो दावा ये कहता है कि ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी जावेद का। जावेद लेबनान इसराइल बॉर्डर पे हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इस बीच बहुत बड़ा दावा इसराइल की तरफ से ये आ रहा है कि जो कल रात उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया है उसमें एक बड़ा आतंकी गिरफ्त में आ चुका है। देखिए, लगातार इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है इसराइल में गाजा पट्टी में, लेकिन दक्षिणी लेबनान से भी इसराइल को चुनौती मिल रही है और इसराइल इस तरफ भी अटैक कर रहा है। हमारी मौजूदगी लेबनान और इसराइल बॉर्डर पर है। मैं आपको लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ दो दिन पहले इसराइल ने गाइडेड मिसाइल से अटैक किया और देखिए उसके टुकड़े और यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। ये देखिए, हम एक घर में मौजूद हैं। ये डॉक्टर दंपत्ति का घर था और किस तरीके से इसको निशाना बनाया गया है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा घर है दो दिन पहले यहाँ पर अटैक किया गया, देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो घर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे टूटकर, ये दीवारें टूटकर जमींदोज हो गई हैं। ये इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है पूरे घर में। आपको बता दें कि जिस वक्त हमला किया गया गाइडेड मिसाइल से, इस घर में कोई नहीं था। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो टुकड़े हैं जमीन पर पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ये इसराइली हमले की जद में है, अलमशाब ये पूरा इलाका है। और मैं आपको पीछे की तरफ से भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस हमले के बाद क्या स्थिति बनी। देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ इस घर की ऊपरी मंजिल पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया और पूरा घर में आप देखेंगे सब सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो दीवारों के टुकड़े हैं वो यहाँ ज़मीन पर पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। दरअसल अलमशा वो इलाका है जहाँ पर इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और ये जो पूरा इलाका ये हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लगातार इसराइल हिजबुल्ला की ठिकानों पर भी अटैक कर रहा है। देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये इस घर के पीछे तमाम ओलिव का गार्डन है, जो जैतून होता है उसका गार्डन है और उसमें किस तरीके से नुकसान हुआ ये आप तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड है वो जलकर खाक हो गया। देखिए, अभी हमें आवाज़ आ रही है, हमें निकलना होगा यहाँ से। अभी हमें एक धमाके की आवाज़ सुनी है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ इसराइल की पोस्ट है। अभी अभी बिल्कुल आवाज़ आई है हमें धमाके की, बिल्कुल जब हम यहाँ पर मौजूद और हम जब यहाँ मौजूद हैं यहाँ हमें ड्रोन की आवाज़ भी सुनाई दे रही। तो ये बहुत, ये पूरा जो इलाका है जंग का मैदान बना हुआ और जहाँ जितनी भी आबादी थी वो सब यहाँ से जा चुके हैं। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं जी। यहाँ ड्रोन लगातार इस इलाके को मॉनिटर करता है और ये तस्वीर हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि पूरा इलाका करीब 120 किलोमीटर जो इसराइल और लेबनान की सीमा लगती है जहाँ लगातार हमले इसराइल और हिजबुल्ला के एक दूसरे पर हो रहे हैं जी। जावेद, आप भी सुरक्षित जगह पे इस वक्त जाएं क्योंकि वाकई हम सुन पा रहे हैं इस वक्त की वहां पे मिसाइलों की आवाज आ रही है और वहां पे इस वक्त तबाही जैसा ही मंजर है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ जावेद जो कि मेरे सहयोगी हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। गाजा के उत्तरी शहरों पर सुबह से ही टैंक, तोप और हवाई हमले जारी है। जैबेलिया के रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला हुआ। जैबेलिया कैंप हमले से जुड़ी न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि वहां कैसे तबाही मचाने की कोशिश हुई। सुबह से लेकर शाम से लेकर देर रात तक लगातार गाजा की सीमा के अंदर IDF अलग अलग तरीके से हमला करे। इस वक्त आप उत्तर गाजा की तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे। न्यूज 18 इंडिया पिछले 7 अक्टूबर के बाद से लगातार आपको उत्तर गाजा में IDF की जो कार्रवाई है, मिलिट्री कार्रवाई, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो गुब्बार आप देख सकते हैं, एक सफेद गुब्बार और एक काला गुब्बार देख रहे हैं। उत्तर गाजा के शहरों से ये दिख रहा है हमें। अभी हमारे पीछे थोड़ी देर पहले तोप से हमला किया गया था शहर पे, जबालिया में ही मुझे लगता है वो हमला किया गया। लेकिन ये जो है बेत हनून और बेत लहिया पे अभी हमला हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा आसमान सफेद और काले धुएं से भर पड़ा है। जो रिहायशी इलाका दिख रहा था वो अभी
धुंधला हमें दिखने लगा है। और दूसरी तरफ ये जो जबालिया है, इधर आपको दिखाते हैं जबालिया, जबालिया में भी अभी तुरंत एक गोला दागा गया है, उसका धुआं हमें यहाँ से नजर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर से गया तोप से हमला किया गया।